जिस दामाद को पूजा, माथे पर तिलक लगाया, उसी को जान से मारने की साजिश। जिस बेटी को कन्यादान दिया, उसी को जान से मारने की धमकी। घटना कोयलवर थाना अंतर्गत औरैया गांव के उपेंद्र सिंह की है, जिन्हें अपने चचेरे ससुर साले ने दूसरे लोगों से पिटवाया एवं उनकी पत्नी जो पेशे से एक शिक्षिका है, जान से मारने की धमकी दी। आपको मारपीट में चोट लग गया है, मुंह से ब्लड आ रहा था, नाक से ब्लड आ रहा था, सर में पीछे सब चोट लग गया है। मारपीट मतलब दोनों तरफ से हुई है? नहीं, एक तरफ हम रास्ते में से जा रहे थे तो लोग अचानक हम पर हमला बोल दिए। कौन लोग? वो जो वहाँ के हमारे गाँव ही के लोग हैं, जो हमारे पटीदार हैं। आपके पटीदार? हाँ, उन्होंने पटीदार हैं, मैंने वो लोग उनका खेत बोते हैं। अच्छा अच्छा, वही लोग हमारे मतलब वो लोग कहाँ के हैं? जो वो औरैया टोला के। औरैया टोला। और मेरा घर गंज श्रीपालपुर पचैना बाजार हुआ। कहाँ हुआ? गंज श्रीपालपुर पचैना बाजार। हम सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। अच्छा, अधिवक्ता हैं। हाँ हाँ, मेरी पत्नी जो है शिक्षिका है, वहीं पर। जी जी, तो मतलब किस बात के लेकर लड़ाई हुई थी? मेरे उन लोगों से कोई बात नहीं थी, वो हमारे पटीदार में हो रहा था बात तो अभी कुछ नहीं हुआ। वो मकान बन रहा था, मेरे भाई का कोई भाई भी नहीं है अपना, ये उनके पिताजी तीन भाई हैं, ये लड़की है, एक माँ है, वहीं पर रहती है, हम भी आते जाते हैं वहाँ। तो उसी में जो है वो लोग माते जाते हैं, उसी में दो दिन पहले भी विवाद हुआ था, 28 तारीख हम आ रहे थे, उस समय वो लोग मारपीट कर दिया था। मैंने थाना पर गया, पीरो थाना गया। अच्छा, लड़ाई की सूचना थाने में? हाँ, थाने में पहले जो विगत दिन वाला था तो उसमें मेरी पत्नी दी है उनके घर में। फिर दोबारा जो है ये दोबारा क्रस हुआ, दोबारा हम पर जानलेवा हमला हुआ। थाना को शाम में गाली गलौज कर रहे थे लोग अपने घर उधर से, तो थाना पर फोन किया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ थाना से। हम कौन थाना में फोन किया? पीरो थाना। कौन कौन किया था? मेरी पत्नी। ये बार बार 3 दिन से अभी तक फोन हो रहा है लेकिन हमारा कोई भी बयान लेने के लिए अब आज तक नहीं है। अच्छा, बयान भी लिखने को तैयार नहीं? बयान भी आज तक नहीं लिखाया, जो उस दिन का बयान है आज। आप कहाँ पे अधिवक्ता प्रैक्टिस में कहाँ पे हैं? हम सिविल कोर्ट में आरा में थे। उसके बाद हम जगदीशपुर और पीओ पे आते जाते हैं। अच्छा। इसलिए कि वहीं पर मेरी पत्नी रहती है तो थोड़ा वहाँ भी आना जाना रहता है, वहाँ पर भी रह जाते हैं, इसलिए कि बाल बच्चे भी सब वहीं पर संत जी भी रस्म पढ़ते हैं। अभी भी वो बोल रहा है, धमकी दे रहा है सब कि सबको काट देंगे, इसको विद्यालय नहीं जाने देंगे, आएगी विद्यालय तो उसको काट देंगे। आपका क्या नाम हुआ? भूपेंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता। कहाँ गाँव है? गंज श्रीपाल में पहचाना बाजार। ऐसे हाल मकान मेरा नाइट था पहले से ही। अच्छा अच्छा, तो जब शादी हुआ तब से थोड़ा सा यहाँ। अभी अभी कौन कहाँ रहते हैं? अभी हम औरैया टोला में रहते हैं और गांव पर से भी आते जाते हैं। कहाँ गांव है? गंज श्रीपाल में पहचाना बाजार। कौन थाना में पड़ते हैं? कुलवर थाना। जी, आप एक टीचर हैं और इसके बावजूद आपके पति अधिवक्ता हैं। जी सर। और फिर इन पे हमला हुआ है अभी। जी सर। तो किस बात को लेके हमला हुआ है? सर, उन लोग से तो कोई झगड़ा नहीं था। किन लोग से? जो झगड़ा हमला किए हैं उन लोग से कोई झगड़ा नहीं था। कौन हमला किए? जोगिंदर सिंह, भोला सिंह, भोला सिंह की वाइफ, जोगिंदर सिंह की वाइफ, मोहन सिंह, मोहन सिंह, मोहन स्वर्गीय मोहन सिंह की वाइफ, मोहन सिंह नहीं, मोहन सिंह का लड़का है, स्वर्गीय मोहन सिंह का लड़का आशीर्वाद कुमार और लक्ष्मीकांत। सारे लोग कहाँ के हैं? और यहाँ टोला के हैं सर, मेरे गाँव के। अच्छा, ससुराल आपका? हाँ सर, हम लोग मायके हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग घर में थे, सुबह डेली जाते हैं, वो लोग उन लोग को टाइम मालूम था, वो लोग उधर बाइक रोक दिया, आशीर्वाद कुमार और प्रद्युमन कुमार और ये लक्ष्मीकांत, तीनों ने मिलकर बाइक रोका। उसके बाद उसके सारे परिवार जुट कर पूरा परिवार, उन लोग का बच्चा बच्ची जितना है सभी लोग जुट के इन पर हमला करती है। मुंह से इतना ब्लड आ रहा था सर, 1.5 घंटा मुंह नाक का ब्लड नहीं रुका। अब मैं तो वहाँ देख के मैं हाँ, इस दार तो हम लोग का ददन भैया है,
लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। नहीं, वो हमला नहीं, हमला करवाया गया, करवाया गया है उनके द्वारा, उनके द्वारा हमला कराया गया। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है ददन जी पे कि उन्होंने दूसरे आदमी से हमला कराया। यही लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को वही करवाया, बोल रहे हैं कि मार के फेंक दो। कौन ये जोगिंदर बोल रहा है कि ददन सिंह बोले हैं और उदय सिंह दोनों की वकील साहब को मार के फेंक दो। और हमको सर अभी तक जोगिंदर सिंह कल तक मेरे दरवाजे पर, हम मोबाइल में अभी फोटो भी खींचे हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं, मेरे दरवाजे पर आ गया सब, इनको मार के आ इधर चले गए ना तो हम लोग के दरवाजे पर मेरी माँ को हमको आ गया द्वार दरवाजे पर, तो हम माँ को खींच कर अंदर ले गए और हमको बोल रहा है कल स्कूल आ गई तुमको वहीं पर स्कूल पे काट देंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे सर कि कल स्कूल आओगी उसी समय स्कूल पर काट देंगे तुमको। कहाँ पढ़ाने जाती हैं? और यहाँ टोला वहीं में घर के थोड़ा सा दो घर के बाद। अच्छा, स्कूल में काटने की धमकी कौन दिया? जोगिंदर सिंह। पूरा परिवार, पूरा परिवार है सर का, लेकिन जोगिंदर सिंह खुद हमने हमको सामने बोले कि तुमको काट के। कहाँ रहते हैं? और यहाँ टोला में रहते हैं। आप सारे लोग इनके गांव से हैं? नहीं, इनके ससुराल से हैं। इनके ससुराल जहां लड़ाई हुआ उस गांव से हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये क्या मैटर है? ये पहले तो आपसी इन लोगों का विवाद है। आपसी विवाद में जो एक पक्ष है ददन सिंह, उन्हीं का जमीन जो है वो लोग मनी बटाई पर लोग जोत रहे थे। कौन लोग? जो इनके ऊपर घटना अंजाम दिया है घटना का। अच्छा अच्छा और ये आपसी विवाद में ददन सिंह और उनके जो विवाद होता है उसी में लेकर के ये मारपीट हुआ है। थोड़ा सा जमीन के पटवन में रोक टोक के मामला में कि हमारा पटीदार हैं, हमारा पटीदार हैं, उनको बुलाइए, इसी वजह से ये लोग मारपीट।